जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता है ईएलएस न्यूज़ पर। जी हां दोस्तों, आज हो गई है 28 दिसंबर शनिवार। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या रहेगा पूरे देश के भर में मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, कहां होगी बर्फबारी और कहां हो सकता है मौसम शुष्क, और कहां पर हो सकती है बारिश, और कहां पर छाया रह सकता है कोहरा, और कहां पर ज्यादा से ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, तमाम बड़ी अपडेट्स आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वही दोस्तों, आप ईएलएस न्यूज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो नीचे लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे देश भर के मौसम के समाचार के बारे में। देश भर में बने मौसमी सिस्टम उत्तरी अफगानिस्तान के ऊपर एक दक्षिणी विक्षोभ बना हुआ। वहीं दोस्तों एक मौसम प्रणाली 30 दिसंबर से पश्चिमी इलाकों को प्रभावित करना शुरू करेगी। वहीं पूरी असम के एक छोटे का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों का हाल, तो पिछले 24 घंटों के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से, इसके अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में छिटपुट वर्षा देखने को मिली है। वहीं दोस्तों उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विदर्भ तेलंगाना मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। वहीं दोस्तों राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रही, जबकि पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सर्द मौसम की स्थिति देखी गई है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल। उत्तरी मैदानी इलाकों के साथ ही उत्तर प्रदेश में कई सर्द मौसम की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दोस्तों तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद से खराब श्रेणी में रहने बना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में पूरे सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों पर एक दो स्थानों पर इस सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान में कुछ पश्चिमी प्रदेश में कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। वहीं दोस्तों पूरी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर 28 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि 29 और 30 दिसंबर तक ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि कई स्थानों पर बारिश में कमी आ जाएगी। हालांकि ओडिशा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिणी ओडिशा में 28 को भी बारिश होने के आसार जताई जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं मिलते हैं सभी को जाने को मिल गई। वहीं दोस्तों आप कौन से राजा शहर में थे, मैं कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि हम आपके राजा शहर की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। वहीं दोस्तों आप ये न्यूज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के चला सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में